वे दिन भी क्या दिन थे। पार्ट आठ के प्रश्न उत्तर, क्या करेंगे हम पार्ट आठ के प्रश्न उत्तर। वे दिन भी क्या दिन थे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम अपनी और वीडियो भी देखते रहें। तो हमारा प्रश्न नंबर एक, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। तो इसका उत्तर, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह आज के जमाने में ही छपी होगी, यानी कि आजकल। यह कहानी भविष्य, यानी कि जिस जिंदगी में हम रह रहे हैं, भविष्य पर आधारित है और हम वर्तमान है। यानी कि जो कहानी है वो तो भविष्य पर है, यानी कि हमारा भविष्य क्या होगा आगे आगे बढ़ने में, और जो ये किताब है वो उसी के आधार पर है, और जो हम रहते हैं वो वर्तमान में रहते हैं, यानी कि रह रहे हैं वो हमारा क्या है, वर्तमान। अतः किताब आज के समय में छपी होगी, यानी कि वर्तमान में छपी होगी। तो प्रश्न नंबर दो, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई, क्या सचमुच में ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता है, कई पुस्तकें एक बार पढ़कर फेंक दी जाती हैं। ये आप भी देखते होंगे कि कुछ पुस्तकें हम ऐसा करते हैं कि एक बार पढ़ी और भाई चलो फेंक दी रद्दी में, तो ऐसा होता है। प्रश्न नंबर तीन, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों। तो इसका उत्तर हम क्या देंगे, कागज के पन्ने वाली किताब को हम कहीं भी उठाकर ले जा सकते हैं और कहीं भी इसको पढ़ा जा सकता है, परंतु टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब को कहीं नहीं पढ़ा जा सकता है। इसके लिए हर समय बिजली की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं कागज के पन्नों वाली किताब पसंद करूंगी, या फिर बॉयज क्या लिखेंगे, करूंगा। प्रश्न नंबर चार, तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस किस चीज पर हुआ करती थी। तो इसका उत्तर हम देंगे, कागज से पहले की छपाई भोज पत्रों, छालों, लकड़ी और धातु से बने पत्रों पर होती थी। प्रश्न नंबर पांच, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से, दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की आसानियां और मुश्किलें हैं। तो हमने ये देखना है कि अध्यापक के पढ़ाने में और मशीन के पढ़ाने में क्या मुश्किलें और क्या आसानियां होती हैं। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, हमें अध्यापक से पढ़ना ज्यादा आसान और अच्छा लगेगा, क्योंकि वे हमारी मुश्किलों का हल तुरंत ही बता सकते हैं। मशीन से यह ज्ञान मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक अध्यापक सभी विषय नहीं पढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत मशीन से सभी विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यानी कि जब हम अध्यापक से पढ़ते हैं तो हम अपनी मुश्किलों को साथ साथ हल कर सकते हैं, उनसे अपने प्रश्नों का उत्तर साथ साथ
जान सकते हैं। लेकिन यदि हम मशीन से पढ़ रहे हैं तो हम अपने अध्यापक की तरह से मशीन से साथ साथ अपनी मुश्किलों का हल नहीं कर सकते। तो जब हमें अध्यापक पढ़ाते हैं तो वो ज्यादा आसान होता है। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।